हमारे साथ भट्टाचार्य जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जा रहा है इसका संचालन कर रहे हैं और सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। आप बताएंगे कि आज के जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें कौन कौन सा मुख्य प्रोग्राम हो रहा है और इसको किस तरह से किया जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रतिवर्ष आज के इस शुभ दिन जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये जो संगठन है भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन, ये एक राष्ट्रीय स्तर की संगठन है और ये जो हमारा प्रदेश यूनिट है उसकी ओर से प्रतिवर्ष हम लोग इस दिन को मनाते हैं और विधिवत हमारे सारे सदस्य अन्य जिलों से और प्रदेशों से यहाँ पर आते हैं और उनके साथ हम लोग एक अधिवेशन यहाँ पर करते हैं जिसके तहत जो है मानवाधिकार से संबंधित बहुत सारी ऐसे विषय होते हैं जिन पर हम लोग चर्चाएं करते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि ये मानवाधिकार है क्या, वास्तविकता में जो मानवाधिकार है उसका स्वरूप क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, या अगर आप कहें कि आज के दिन में मानवाधिकार का मूल स्वरूप क्या है और उसका उपयोग क्या हो रहा है, इसके बारे में हम लोग इस मंच के माध्यम से चर्चा करते हैं। अच्छा, इन चर्चाओं के अलावा हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस मंच के माध्यम से करते हैं ताकि जो बच्चे हैं हमारे परिवार के, क्योंकि ये जो हमारा एक परिवार है, ये संगठन नहीं है, हमारा परिवार है और इस परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को लेके हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस मंच के माध्यम से करते हैं ताकि जो उनकी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं हमारे बच्चों की, हमारे घरों के बच्चों की, वो भी इस मंच के माध्यम से लोगों के सामने रिलीज हो सके और प्रस्तुत हो सके। इसके अलावा देशभक्ति के कुछ जो है कलाम भी मंच पर प्रस्तुत किए जाते हैं, कुछ गाने, कुछ गीत, कुछ शायरियाँ, इन सब की भी हम लोग प्रस्तुति यहाँ से करते हैं। लेकिन अगर मूल तौर पर हमें देखा जाए कि हम लोग इस मंच के माध्यम से हमारा एक ही ध्येय है कि हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को और सामान्य जनमानस को मानवाधिकार के पालन और उनके नियमों के और उनके जो क्रियान्वयन है उसके बारे में सचेत करें, उनके बारे में उनको अवगत कराएं और उनके बारे में उनको आगे बढ़ के बताएं ताकि भविष्य में कहीं पर भी उनको इन नियमों की ज़रूरत पड़ते हो या उनको लगता हो कि कोई ऐसी चीज़ है जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है जिससे, उसके खिलाफ वो हर स्तर पर आवाज़ उठा सके। हम लोग इस आयोजन के माध्यम से ये भी जताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी संघर्ष हो, किसी भी स्तर का कोई संघर्ष हो जो मानव प्रजाति के खिलाफ हो, जाति के खिलाफ हो, जाति धर्म को भूल कर हम सब एक साथ हैं और किसी भी संघर्ष में हमारा पूरा जो गुट है वो एक साथ है, बिना किसी भेदभाव के हम लोग सब एक हैं। धन्यवाद। आप जैसा कि आप मंच का संचालन कर रहे हैं तो कौन कौन से अतिथि हमारे यहाँ आ रहे हैं जिनसे आप यहाँ पे हम लोग रूबरू हो पाएंगे? देखिए, प्रतिवर्ष विगत कई वर्षों से इस आयोजन को हम लोग करते आए हैं, हमारे बीच है शासन प्रशासन से और समाज के अनन्य वर्ग से बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित होते रहे हैं। चाहे हम अगर अतीत की बात करें तो हमारे बीच पूर्व राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, वरिष्ठ समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी पंडित नरेंद्र तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच उप मुख्यमंत्री महोदय जो तत्कालीन समय में जो है मेयर लखनऊ थे, श्री दिनेश शर्मा जी प्रतिवर्ष लगभग आरंभिक दिनों में उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच नगर विकास मंत्री जी आदरणीय श्री नकुल दुबे जी उपस्थित हुए हैं और धर्म और विभिन्न संप्रदाय के बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति विगत सालों में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आज की बात की जाए तो हमारे बीच में महापौर लखनऊ संयुक्ता भाटिया जी एवं कानून मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। उसके अलावा कई धर्मगुरु हैं जो हमारे बीच उपस्थित होंगे। रॉयल फैमिली अवध से भी जो है प्रतिनिधित्व करते हुए जफर मीर अब्दुल्ला साहब हमारे बीच उपस्थित होंगे। फादर डिसूजा भी हमारे बीच में होंगे। आदरणीय महंत दिव्या गिरी जी हमारे बीच होंगे। शिक्षा जगत से डॉक्टर मधुसूदन दीक्षित जी भी हमारे बीच होंगे और हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे विधायकगण एवं बहुत सारे समाजसेवी और धर्म अगवे हमारे बीच होंगे हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए हमारे बीच आज उपस्थित होंगे और समय के अंतराल पर हम सभी को सुनेंगे, उनके विचारों को जानेंगे और उनसे प्रेरणा लेके आगे और एकजुट होकर काम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।